हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू बी के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स हैं, इफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट वुड बी या ऑब्जेक्ट, बनेंगे क्या सेंटेंस इसमें। इसमें वर्ब ऑफ टू बी के ही सेंटेंस बनते। कैसे? अगर कर्ता कुछ होता, अगर कर्ता कहीं होता, अगर मैं डॉक्टर होता तो कुछ करता, है ना, अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज करता, अगर वह नेता होता, अगर अगर राम, अगर राम जानवर होता, अगर तुम इंटेलिजेंट होते, अगर वह टॉपर होता, अगर वह क्लास में होता, अगर मैं घर पर होता। होता कंडीशन मतलब क्या, होता मतलब हाइपोथेटिकल, ये सही में नहीं हो रहा है, इसकी कल्पना कर रहे हैं हम लोग, इसको हाइपोथेटिकल सेंस में इमेजिन कर रहे हैं कि अगर राम डॉक्टर होता तो वह तुम्हारा इलाज करता, अगर मैं खेत में होता तो वहां उससे मिल लेता, अगर वह टॉपर होता, अगर वह टॉपर होता तो मुझसे बात जरूर करता, पर वह टॉपर नहीं है इसलिए वह फ्रस्ट्रेट हो गया और वह बात नहीं कर रहा है, अगर मोहन बिजी होता तो। आगे कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हाइपोथेटिकल कल्पना वाले। जैसे देखो, अगर मैं एक राजनेता होता, मतलब मैं हूं नहीं, हम ऐसे सेंटेंस तभी बना सकते हैं कल्पना वाले जब वो चीज हम है नहीं। अगर मैं एक राजनेता होता, अगर वह ईमानदार होता, अगर वे परेशानी में होते, अगर हम दोस्त होते, अगर रिया कॉलेज में होती, अगर शिक्षक कक्षा में होते, अगर हम व्यस्त होते, है तो नहीं, अगर हम व्यस्त होते तो कुछ करते, है ना। तो बोलने का मतलब हाइपोथेटिकल सेंस, और ये भी एडवांस टू बी है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट कुछ भी लगा उसके बाद आपको वर्ब जोड़ना होगा, सब्जेक्ट कुछ भी लगा उसके बाद आपको वुड बी जोड़ना होगा। आप दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसे ही बनाना हो, अगर मैं एक राजनेता होता तो क्या बनाऊंगा, इफ आई वर अ पॉलिटिशियन। क्या बनाया मैंने, इफ आई वर अ पॉलिटिशियन। या इसको ऐसा भी बना सकता हूं, इफ आई वुड बी अ पॉलिटिशियन। अगर वह ईमानदार होता, इफ ही वर ऑनेस्ट, इफ ही वुड बी ऑनेस्ट, तो वर लगाओ या वुड बी लगाओ। फिर आप सोच रहे हो सर, ही के साथ भी वर, यस, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है और हाइपोथेटिकल कुछ भी हो जाए, आई वी यू दे ही शी इट नेम या कोई और भी सब्जेक्ट आता है, सबके साथ आप वर लगाएंगे। जैसे अगर कोई मेरे साथ होता, इफ समवर वर मी, इफ समवन वर मी, या वर विथ मी, है ना, अगर कोई यहां होता, इफ समवन वर हियर, तो समवन के साथ भी वर लगाएंगे। अगर हर कोई ईमानदार होता, इफ एवरीबॉडी वर ऑनेस्ट, कुछ भी लगा सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। अगर वह ईमानदार होता, इफ ही वर ऑनेस्ट, या इफ ही वुड बी ऑनेस्ट। अगर वे परेशानी में होते, इफ दे वर इन द प्रॉब्लम, या इफ दे वुड बी इन द प्रॉब्लम, है ना। अगर हम दोस्त होते, इफ वी वर फ्रेंड्स, या इफ वी वुड बी फ्रेंड्स। अगर रिया कॉलेज में होती, इफ रिया वर इन द कॉलेज, या इफ रिया वुड बी इन द कॉलेज। अगर शिक्षक कक्षा में होता, इफ टीचर वर इन द क्लास, या इफ टीचर वुड बी इन द क्लास। अगर हम व्यस्त होते, इफ वी वर बिजी, या इफ वी वुड बी बिजी। तो मतलब ये हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस हैं, हम जितना बना बना के देखेंगे उतनी हमारी टंग फ्री होती है बोलने के लिए। आइए कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे अगर राम ताकतवर होता, इफ राम वर पावरफुल, इफ राम वर पावरफुल। अगर वे कंफ्यूज्ड होते, इफ दे वर कंफ्यूज्ड। अगर मैं अमीर होता, इफ आई वर रिच। अगर मेरे पापा बैंक में होते, इफ माय फादर वर इन द बैंक। अगर वह 10th क्लास में होता, इफ ही वर इन 10th क्लास। अगर तुम घमंडी होते, इफ यू, अब वर की जगह मैं रखूंगा वुड बी, इफ यू वुड बी घमंडी, इगोइस्ट, इफ यू वुड बी इगोइस्ट। अगर मैं उसके साथ होता, इफ आई वुड बी विथ हिम। अगर नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति होते, इफ नरेंद्र मोदी वुड बी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट। अगर मैं मुख्यमंत्री होता, इफ आई वर मुख्यमंत्री, सॉरी, इफ आई वर चीफ मिनिस्टर। अगर मेरा दोस्त परेशानी में होता, इफ
माय फ्रेंड, वर्ब भी लगा सकता हूं, वुड भी लगा सकता है ना, वुड बी इन द प्रॉब्लम, है ना, इफ माय फ्रेंड वुड बी इन द प्रॉब्लम, तो आप वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम वुड बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो को मैं खत्म करूं उससे पहले आप लोगों को बता जरूर दूं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सिर्फ प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल है, क्लियर कर दूं आपको, है ना, प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल है ये, प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल मतलब हम प्रेजेंट की सिचुएशन में ऐसी कल्पना कर रहे हैं। अगर मैं डॉक्टर होता ना अभी, सपोज मेरे सामने कोई मरीज तड़प रहा है और मुझसे सहन नहीं हो रहा है ना, अगर मैं इस वक्त डॉक्टर होता ना, तो उसका इलाज कर देता। अगर मेरे पास पैसे होते, सपोज मेरे सामने कोई भिखारी आया और अब मेरे पास पैसे नहीं है उसको देने के लिए और मुझे बहुत अपने आप में गिल्टी फील हो रहा है, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो उसको अभी 100 रुपए दे देता। अभी जब मैं प्रेजेंट में हाइपोथेटिकल कल्पना कर रहा हूं कि अगर अभी अगर मैं पॉलिटिशियन होता ना तो देश को विकसित कर देता अभी होता तो, है ना, अगर मैं खेत में होता ना तो उसकी मदद कर देता, अगर मैं खेत में होता कब, अभी होता ना तो उसकी मदद कर देता, पर मैं हुई नहीं वहां पर, वो बेचारे को परेशानी जा रही है काम करने में। अगर मैं होता तो कब, प्रेजेंट में, मैं प्रेजेंट में कुछ होता, मैं प्रेजेंट में कहीं होता, तो ही हम ये दोनों स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपके मन में चल रहा होगा सर पास्ट के लिए क्या करें, तो पास्ट के लिए इसका अगला वीडियो आने वाला है जिसमें आपको मैं पास्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। गाइज उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एडवांस वर्ब ऑफ टू बी का यह कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन यह सेंटेंस कभी भी सिंगल नहीं बनते, ये बनते हैं ग्रुप के साथ, मतलब क्लॉजेस वाइज बनते हैं, इसमें एक और सेंटेंस जुड़ता है तभी ये कंप्लीट मीनिंग दे पाता है। अगर मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज करता, अगर वो पॉलिटिशियन होता तो देश का उद्धार करता, ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन मैंने सिंगल शॉट में, मतलब एक सिंगल सेंटेंसेस के थ्रू ही आपको बताने की कोशिश की ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना लगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एडवांस टू बी का यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।